Hello, Acho. Let's read the question. The question says the reaction of K3FeCN6 with freshly prepared ferrous sulfate solution produces a dark blue precipitate called Turnbull's blue. Reaction of K4FeCN6 with the ferrous sulfate solution in complete absence of air produces a white precipitate X, which turns blue in air, mixing the FeSO4 solution with NaNO3. Followed by a slow addition of concentrated H2SO4 to the side of the test tube produces a brown ring. Among the following, the brown ring is due to the formation of. Now, the key concept related to this question, that is the brown ring test. A brown ring test kya hai? Ye hai hamara identification test hota hai. Theek hai? आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ किसका नाइट्रेट एक्चुअली डिटेक्शन टेस्ट होता है. ठीक है, आइडेंटिफिकेशन से डिटेक्शन टेस्ट ज्यादा बेहतर होगा नाइट्रेट को डिटेक्ट करने के लिए. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, देखिए कोई भी जो नाइट्रेट सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है, हमें तो पता नहीं, वहां पर तो नाइट्रेट रहेगा ही, उसके साथ हमारा रिएक्ट होता है सल्फ्यूरिक एसिड का. सो हमारा बनेगा HNO3 नाइट्रिक एसिड, उसके साथ HSO4, ठीक है, माइनस रहेगा और इसके साथ कैटायन वही रहेगा जो नाइट्रेट के साथ कैटायन रहेगा. ठीक है, सो यहाँ पर देखिए दिया है सोडियम नाइट्रेट. सो सोडियम नाइट्रेट मतलब Na प्लस रहेगा ए, इसका मतलब यहाँ पर भी Na प्लस रहेगा. ठीक है, अब ये जो HNO3 है नाइट्रिक एसिड, वो रिएक्ट होगा टेस्ट ट्यूब में जो हम FeSO4 डालेंगे. सो 3Fe2 प्लस के साथ रिएक्ट करेगा और एसिडिक मीडियम में होता है H प्लस, मतलब कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. ठीक है, तब यहाँ पर NO आ जाएगा और नाइट्रोसिल में कन्वर्ट हो जाता है प्लस 3Fe3 प्लस प्लस 2H2O फॉर्म हो जाता है. ठीक है, और सो हमारा जो NO3 है वो NO में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, और जो होता है वो है FeH2O होल सिक्स. ठीक है, जो आयरन और वाटर है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. ठीक है, ओके, यहाँ पर टू माइनस रहेगा प्लस ये जो नाइट्रोसिल है, ये जो नाइट्रोसिल ये रिएक्ट करेगा करके हमारा फॉर्म होगा Fe H2O होल 5 NO 2 प्लस. ठीक है, और यहाँ पर जो आयरन है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ध्यान रखना है प्लस वन होगा, क्योंकि ब्राउन रिंग जो कॉम्प्लेक्स है ये ब्राउन रिंग का टेस्ट में आता है. ठीक है, यहाँ पर प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है. ठीक है, और ये जो आयरन Fe H2O होल 6 बना है ये यहाँ से बना है, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा यहाँ से. ठीक है, नाइट मतलब ये तो हम ब्रेक करके लिखा है, इसको ही अगर लिखेंगे तो फॉर्म करके ऐसे ही, मतलब अगर हम नाइट्रिक एसिड जो फॉर्म होगा उसके साथ अगर हम फ्रेशली प्रिपेयर फेरस सल्फेट डालेंगे और उसके साथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 तभी ये हमारा ब्राउनिंग आ जाएगा. ठीक है, अब देखिए हम क्या डाला है, सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड का और सल्फ्यूरिक एसिड का सल्फेट है और क्या है Fe2 प्लस किसके साथ आ रहा है SO4 2 माइनस के साथ. सो इसका जो एनायन कॉरस्पॉन्डिंग एनायन आएगा SO4 2 माइनस. इसका मतलब जो ब्राउन रिंग है हमारा, ब्राउन रिंग कुछ इस तरह होगा, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मूला है वो हमारा ए है. ठीक है, ए है हमारा ब्राउन रिंग. ठीक है, अब हमें इसका कॉरस्पॉन्डिंग कैटायन पार्ट को निकालना है. तो इसमें जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो है वही उसको निकालना है. तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या होगा, अब ए क्या होगा 2 प्लस हो जाएगा और सल्फेट क्या होता है 2 माइनस. ठीक है, सो Fe H2O होल 5 NO 2 प्लस होगा. ठीक है, तो चलो देखते हैं कौन सा वाला ऑप्शन में है. ऑप्शन डी में हमारा आंसर आ गया. सो आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी. ठीक है, I hope you will understand the solution very well. Best of luck.